तो जी हाँ भाइयों, आज बहुत दिनों बाद हम लोग करने वाले एक वॉइस ओवर वीडियो। मेरा दिल क्या इस वीडियो पे वॉइस ओवर करने का, तो चलो करते हैं। ये भाई लोग सबसे हार्डेस्ट मैच है जितना तक आज मैंने खेला है। मतलब इसमें तो मैं उतरते उतरते ही मतलब बोलते ना मर ही गया था सीधा, बट कैसे ना कैसे करके टीममेट्स ने बचा लिया और मैंने भी एक्चुअली में टीममेट्स को बचाया। तो देखो, सबसे पहली बात तो भाई लोग गन मिल के नहीं देती है, एक भी गन नहीं मिल के देती है। तो अब क्या है, ढूंढने का प्रोसेस चालू है। देखो कहाँ जाके भाई को गन मिलती है। I need a weapon. यहाँ पर तुम्हारा भाई भीखे मांग रहा है कि भाई कोई गन दे दो, गन दे दो, बट यहाँ पर तो कुछ उल्टे ही चल रहे हैं। कोई अभी लैंड कर रहा है और मेरे दोनों बंदे नॉक। देखो कैसे एक बंदे को AKM से निपटा दिया और एक को मॉली फेंक के हटा दिया। अब मैं दुविधा में भाई, ना मेरे पे हेलमेट ना कुछ। अब उसको रिवाइव देने जाओ तो कैसे जाओ, और सिर्फ एक मॉली पड़ा है मेरे पास, स्मोक भी नहीं है। तो देखेंगे, ट्राई करते हैं। मुझे तो लग रहा था हम लोग गए, अब हम लोग गए, हमारा काम हो गया, मैच ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट मैच में जाता हूँ। बट फिर भी कैसे कैसे करके अपने तीसरे भाई को भाग भाग के रिवाइव देता हूँ। बट वही है कि दूसरा भाई बेचारा नहीं बच पाता है। बट कोई नहीं, चलो एक को तो बचा लिया। और यहाँ पर से मुझे दिखता है एक और, इसको मैं मारता हूँ और यहाँ पर से मैं गया। देख रहे हो कितना हार्ड मैच है, एक बॉट या बंदे की भी पेटी काट दे, मतलब क्या ही है भाई, क्या ही है। अब आगे देखो क्या होता है। तुम्हारा भाई रिवाइव मांगता है और अच्छा है तीसरा रिवाइव रिवाइव करने आता है, बट मैं बोलता भाई क्या कर रहे हो, गाड़ी के पीछे दे दो, एक टूटी फूटी गाड़ी है ना जो लगाई है उसके पीछे दे दो रिवाइव। तो भाई समझ जाता है और रिवाइव देता है। अब यहाँ से सिर्फ मेरी नज़र एक चीज़ पे ही है, वो जो किल जो मैंने नॉक किया था उसी पे मेरी नज़र है बस, कि कैसे भी करके उसकी किल ले लो अपने। यहाँ पर तुम्हारा भाई किल सफल हो जाता है। भाई लोग देख रहे हो इतना ठीक, इतना मतलब बोलते हैं ना, मतलब मैं यहाँ पर ये नहीं कि हील कर लूँ, एक अच्छी बाकी है नहीं, मेरे को तो भाई किल ले लिया। बट अब चलो किल ले लिया तो अच्छी बात है, ऐसे ही बनना चाहिए गाइस सबको भी, साला किल तो किल मैं लेके ही रहेगा तो कुछ भी हो जाए। यहाँ पर हमारे भाई को बैंडेजेस चाहिए होते हैं, तो मेरे पास एक हाथ पड़ा होता तो दे देता उसको और फिर आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के बाद अभी आपको लग रहा होगा कि भाई अब चलो ख़त्म हो गया, नहीं ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है। तो इसलिए गाइस वीडियो पूरा देखना, एकदम पूरा, समझ रहे हो ना। अभी देखो और क्या क्या करना पड़ता है, कितने पापड़ बिलने पड़ते हैं मुझे ये चिकन डिनर लेने के लिए। और गाइस आखिरी का क्लच वो तो गाइस ज़रूर देखना, आखिरी का क्लच मतलब ऐसा बोलते हैं ना, एकदम देखते रहना यार भाई लोग, मज़ा आ जाएगा आपको। अब यहाँ पर मैं ढूंढ रहा होता भाई, चलो आ जाओ बंदे, आ जाओ, हेलमेट आ गए मेरे पे, गन भी है ठीक ठाक, M4 दो M4 है, आ जाओ कोई तो आ जाओ। यहाँ पर मुझे एक सामने वाले दिखता है, उसको मैं स्प्रे देता हूँ और यहाँ पर मेरे ही स्प्रे चिपक जाती है। देखो मतलब 20-25 HP, आधे HP से भी कम छोड़ा भाई ने, अगर यही गोली और पड़ जाती थी ना तो मैं सीधा नॉक, और मेरा टीममेट पीछे कहीं हरियाली में जाके लेट गया या फिर कुछ ढूंढ रहा है। तो हम लोग भी जाएंगे भाई, मैं समझ गया, पहली फुर्सत में निकल लो भाई लोग, नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा GG। यहीं पर मेरे पेट की बंदी भी दिखेगी हरे धुएं के साथ, और यहाँ पर मैं लगा तो M762 पे हो रहा है, वैसे औकात तो नहीं है बट फिर भी लगा लेता हूँ। यहाँ पर मुझे एक बंदा भगता हुआ दिखता है जहाँ पर मैं पहले था, उसको लग रहा है कि मैं अभी भी वहीं पर ही हूँ, बट उसको क्या मालूम कि मैं तो वहाँ से भाग के आ गया। इसलिए गाइस आपको पोजीशन चेंज करते रहनी चाहिए, समझे, चेंज करते रहो पोजीशन, चेंज करते रहो। यहाँ पर मुझे एक बंदा दिखता, देखो एनिमीज अहेड, ये दिख गया मुझे इसका छोटा सा सर, बट मैं अभी इससे नहीं मारूंगा क्योंकि मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है M4 कम डैमेज देता है। तो मैं क्या करूँगा, M762 निकालूंगा और उसे सिर्फ दो गोली मारूंगा। देखो दो गोली में बंदा ना, दो हेडशॉट में, देखा गाइस कितना तगड़ा है। इसलिए अब इसको ऐसा DMR यूज़ करो गाइस, क्योंकि स्प्रे तो औकात में नहीं है, तो DMR जैसा यूज़ करेंगे ना तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, सीन क्या होते हैं। अब मैंने तो समझ आया था भाई कि
मुझे लोग दोनों की किल तो चाहिए ही चाहिए। और वो सामने वाला बंदा इतनी चौड़ में पीक दे रहा है, इतनी चौड़ में पीक दे रहा है कि आप कुछ कह भी नहीं सकते कितनी चौड़ में पीक दे रहा है। यहाँ मेरा पीछे से मेरा बंदा मुझे आता है कवर देने के लिए। कवर क्या देता साला, मेरी एक नॉक मेरी एक किल ले लेता है, बट नॉक कर देता है बंदे को। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी किल भी अपन ही चुरा लेंगे, कोई टेंशन नहीं। समझ रहे हो ना, अभी कुछ नहीं, यहाँ से जोन के लिए भागेंगे, क्योंकि मुझे भी मालूम है आपको भी मालूम है कि जोन इन लोग पे बना नहीं है, ना ही हम पे बना है। तो हम लोग पहले जोन पे भागेंगे, ये लोग बाद में आएंगे, और बाद में आएंगे तो इनकी पेटी बना देंगे हम, और क्या। अब चलो जोन पे लॉर्ड भाई, तो उसके भी किल ले लेते हैं। तो आखिरकार जाके मेरी इतने सालों बाद 2 किल हुए। किल पे मत ध्यान देना, बोलते ना फियर्स फाइट। अरे वाह, क्या इंग्लिश वर्ड ढूंढा मैंने, फियर्स फाइट पे ध्यान देना। यहाँ पर मेरे भाई ने एक को नॉक कर दिया, तो चलो वो तो अच्छी बात है कि हम लोग बच गए यहाँ से कम। बट उसके किल पे अपन ही लेंगे। नाम याद रखना उसका, रॉकी 1200 जैसा कुछ नाम था। अब यहाँ पर से मुझे, मैं आगे जा रहा होता तो मुझे एक नज़ारा दिखता है। देखो क्या नज़ारा है, वो एक बंदे स्प्रे कैसा लगा बताना भाई साहब। देख रहे उसको तीसरा बंदा जिसको मेरे टीममेट ने नॉक किया था, वो देखो कहाँ मिलेगा मुझे, उसका नाम याद रखा बस। अब यहाँ पर मैं लेट गया था, मैं बोला भाई अगर खड़ा रहूँगा तो लेट के जो स्प्रे देता होगा इस 4x का, एक लाइक ठोक देना होगा इसे 4x के स्प्रे के लिए। और अगर अभी नहीं ठोकना तो बाद में ठोकना। देखो यहाँ पर देख रहे हो जस्ट मेरे पीछे नाम दिख लो गाइस, 1205 रॉकी। मतलब इस बंदे ने क्या ही हद पार कर दी, ये पूरा घूम फिर के आया यहाँ पर। समझ रहे हो कितनी मेहनत की है बेचारे भाई ने सिर्फ यहाँ तक आने के लिए। वैसे इतनी मेहनत तो मैं भी नहीं करता हूँ, बट भाई ने किए तो भाई के लिए अकेला यार, भाई के लिए। और अगर अभी भी नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। लास्ट का क्लच देख के तो गाइज अगर आपने नहीं किया ना तो क्या कर रहे हो, फटाफट कर देना। अभी फिलहाल हम लोग जा ही रहे होते हैं। और आगे देखो तुम्हारे भाई को एक पट से कार 98 का शॉट लगने वाला है, तो वो थोड़ा आगे जाके होगा, देखेंगे उसको भी क्या है वो क्या नहीं है। बट अभी फ़िलहाल तो मैं जोन में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। और सिर्फ हम लोग को मिला के 6 बंदे, तो हम लोग को छोड़ के शायद 4 बंदे। हाँ मैथ्स का लेक्चर लिया मैंने भी थोड़ी देर पहले, इसलिए याद है मुझे। और ये है एक बंदा गया नीचे आज, 100 RP वाला भाई, 100 RP है बंदे पे। अभी देखो उसको भी कैसे चौथाड़ेंगे हम लोग। और यहाँ पर मैं खड़ा होता हूँ और मुझे कुछ मिलता है, अभी नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर मेरा भाई टीममेट एक बंदे को नॉक कर देता है और किल भी ले लेता है। तो अब से हम लोग 3 बंदे बाकी रह गए। तो अब क्या होता है, जोन इस साइड बना नहीं होता है और मुझे जाना होता है वापस। और अब देखो यहाँ पर क्या होता है मेरे साथ, एक पड़ गया पट से कार 98 का शॉट। अब मैं यहाँ पर प्रॉब्लम में आ गया भाई, शॉट पड़ गया, हलवा थोड़ी ना है। वो भी बंदे ने ऐसा शॉट मारा कि सीधा सर पे लगा, मेरा पूरा लेवल 2 का हेलमेट गया। समझ रहे हो गया का मतलब। और अब मैं यहाँ पर से सोच रहा हूँ कि भाई सैंडविच ना हो जाए हम लोग। मुझे लगा हो गया फिर खेल ख़त्म, बना लो वीडियो। बट नहीं, हमारे भाई कैसे ना कैसे करके आता है, रिवाइव देता है। और जैसे ही रिवाइव होऊंगा ना गाइस, मैं हील करके सीधा मैं पीछे भागने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है क्या होने वाला है इधर, रश। तो अभी देखो क्या होता है, रिवाइव हुआ, हीलिंग पोतो पहले, तो यहाँ पर मैंने हीलिंग भी पोत ली। अब लेंगे और भागेंगे और क्या होगा, पहले एक स्मोक बनाऊंगा। हाँ गाइज, कभी भी गाइज आपने देखा होगा ना, मैं जब भी एंड का क्लच करने जाता हूँ, फिर एंड सर्कल होता है, मैं एक स्मोक ज़रूर बना लेता हूँ। क्योंकि किसको क्या मालूम, कौन किधर सांप बन के बैठा हुआ है, कौन किधर क्या बन के बैठा हुआ है। खास करके लिविक जैसे मैप में तो यार गाइस सांप बहुत बनता है। और आपका फेवरेट मैप कौन सा गाइस, मुझे बताना ज़रूर। मेरा तो मुझे लिविक ही लगने लगा है गाइस। अब खेलने देती नहीं है, तो अभी क्या ये छोटा मैप है, तो फटाफट खेल के वीडियो बना के आप लोग के लिए कंटेंट भी डाल देता हूँ और सब आ जाता है। और वैसे किल्स इसमें ज़्यादा नहीं मिलते, ये भी एक प्रॉब्लम है। चलो 10 किल से ऊपर ही नहीं मेरा।
अगर आपके कुछ ज़्यादा खेल तो बताना ज़रूर है मुझे। और यहाँ पर एक बंदा फ्लैंक मेरे साथ ही मार चुका है, अब देखो इसको कैसे खेलता है। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा, बट अगर यहाँ पर मैंने ड्रॉप शॉट नहीं पहला होता था ना गाइस, तो हम लोग का वहीं पर जी जी हो गया होता था, क्योंकि मेरा दूसरा टीममेट नॉक पड़ा है। अब आपसे मज़े लो। Ahead. तो गाइस हो गया चिकन डिनर। मुझे लगता है ज़रूर भाई आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो एक लाइक गाइस, एक लाइक कर देना। और यहाँ पर तुम्हारा भाई चिकन डिनर। और अब क्या, अब मज़े है भाई। अभी टाइम है, अभी देखो यहाँ पर तुम्हारा भाई थोड़ा झलक दिखला जाकर मूव करेगा। तो यार गाइस सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय।